जवानों के ऊपर। अब इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? फर्स्ट इंडिया कह रहा है एक के बदले 10 सिर चाहिए। सर जी देखिए बात ये कोई ये तो ना तो पहला हमला हुआ है ना लास्ट है, ये सिलसिला हमलों का और इतनी बड़ी बड़ी कैजुअल्टी होने का चल ही रहा है। हमने तो हमला भी कर लिया था और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो ये बात है, ये तो अभी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी में कोई कमी नजर आ रही है मेरे को तो, कि इस तरह से यदि समस्या चलती रहेगी और ये सिलसिला आप उनके 20 मार दोगे, ये आज इन्हें अपने 20 मारे हैं, तो ये कोई ना तो देश के लिए शुभ समाचार है ना सरकार के लिए कोई शुभ समाचार है जी। तो ये जो सरकार की नीति है मेरे ख्याल से तो कुछ ना कुछ बदली करना पड़ेगा ना, 10 की बजाय आप 20 मारोगे तो ये तो हमने किया हुआ है ना पहले। सर नीति में बदलाव मतलब किस तरीके का बदलाव यहाँ पर होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो बात ये है, बदलाव ये होता है साहब, जहाँ अपने ही आदमी आपके खिलाफ हो जाए तो उन आदमियों को मनाना जरूरी होता है। आप इनको दुश्मन मान के यदि ट्रीट करोगे तो नेचुरली वो आपको रिएक्ट करेंगे, वो उनके पास देखिए वो सिविल कपड़ों में रहते हैं, जनता में रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, आप यूनिफॉर्म में घूम रहे हो, आप छुप सकते हो क्या? आप टारगेट बनेंगे, पहला टारगेट आप ही होंगे, वो उनको पहला टारगेट नहीं बना सकते आप। ये ठीक है खबर मिल जाए कोई तो किसी को मार सकते हो, बट वो तो सब जगह समाये हुए हैं, गाँव में बिखरे हुए हैं, कहीं जंगल में बिखरे हुए हैं, और अब इनके 20 हथियार आज और ले गए तो फिर वो 20 पुखरे आदमियों की टुकड़ी तैयार कर लेंगे। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि ये जो दंबल वगैरह दिखा रहे हैं ना, जोर झपटते आप उनको 56 इंच की छाती से आप इनको काबू कर लोगे, ये होने वाला नहीं है साहब। ठीक है भगवान सिंह जी, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दरअसल जिस हाईवे पर ये पूरा हमला हुआ है आत्मघाती हमला है, जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर ली है, 2500 से ज्यादा जवान मूवमेंट यहाँ पर गाड़ियों के जरिए कर रहे थे, क्या आपको सिक्योरिटी में भी कहीं लूज पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सुरक्षा में चूक? नहीं, सुरक्षा में चूक तो खैर जरूरी हुई होगी, क्योंकि जो कॉन्वॉय चलती है छुट्टियों के लिए उनकी कॉन्वॉय में सिक्योरिटी चलती है आगे पीछे साइड में, तो और रास्ते में रोड ओपनिंग पार्टी होती है वो क्लियर करती है तभी आगे गाड़ियां बढ़ती हैं, लेकिन क्योंकि जहां बर्फबारी खूब हुई है और वहां पे जनता अपने फौज है वो बहुत कष्ट झेल रही है, क्योंकि ऐसी ठंड में रात और दिन गश्त लगाना और बर्फ में खड़े रहना वहां ओपन में जहां -6-7 डिग्री टेम्परेचर है, तो हम तो रजाई में ही बड़े मुश्किल से रह रहे हैं, तो ये तो आपको सोचना चाहिए देश को कि ऐसी मुश्किल में वो लोग वहां के रहने वाले हैं, तो वो तो थोड़े उनको तो आदत है, तो इसलिए ये सुरक्षा में चूक जरूर है थोड़ी बहुत, लेकिन ये देखना पड़ेगा, ये ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है कि थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस ऐसी हालात में जहां बर्फ चल रही है, हवा चल रही है और इतनी ठंड है, उसमें रात को गश्त करना और रास्ते में ओपन में बैठे रहना और एम्बुश लगाना या पेट्रोलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, कर तो रहे ही होंगे जी, लेकिन मेरे ख्याल से तो इसी वजह से उन्होंने इसका फायदा उठा लिया, मौसम का फायदा उठा लिया और हमारी मजबूरी का फायदा उठा लिया जी। और जो सर्दी की वजह से जवान भी जो मान लो गाड़ियों में भी सिक्योरिटी वाले हैं वो दुबक के बैठे हुए हैं, क्योंकि हवा चल रही है, हवा लग रही है, चल रही है तो गाड़ी, तो इसलिए ये सर्दी की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कुछ हुआ है। सर अब आगे क्या होना चाहिए? बातचीत करो साहब इन लोगों के साथ जो ये ऐसा कर रहे हैं ना, आप ये हुरियत हो चाहे कोई भी हो, अपने देश के हैं, ये दुश्मन नहीं है, इनसे बातचीत करो आप, ठीक है? सबसे हम तो पहले ही ये कहते आए हैं कि इन लोगों से बातचीत होनी चाहिए, जो सिलसिला चला करता था हर गवर्नमेंट के साथ में वो इनको भी चलाना चाहिए, अपने अलग से ना गलती निकाले जी, क्योंकि इससे नुकसान होता है, हम ये ना समस्या सुधार। तो आप ही जानते हैं सर कि जब बातचीत हुआ करती थी तब भी कौन सा ये मानते थे? नहीं नहीं नहीं, मैं बातचीत से होते तो उल्टे ज्यादा हमले होते थे। नहीं, बातचीत से आप समझो कि कोई रास्ता निकल आएगा, नो, बातचीत से रास्ता नहीं निकलता, कैजुअल्टी कम होती है, विकास की गति थोड़ी बढ़ती है हमारी और फौजों को इतना कष्ट झेलना नहीं पड़ रहा है, देश तो झेलना ही पड़ रहा है, नुकसान है, लेकिन फौजों की हालत बहुत है, उनकी ट्रेनिंग पे असर पड़ता है, उनके मोराल पे असर पड़ता है, कि आप इस तरह रात दिन उनके लिए गश्त लगवाते रहो, उनको ओपन में खड़े करते रहो तो वो कितने दिन चौकन्ने रहेंगे, तो इसलिए जरूरी है कि इन लोगों के साथ बातचीत करने चाहिए, वो अपने आदमी है, अपने भाई बंधु है, अपने देश के आदमी है, तो इसलिए आप इनसे दुश्मनी मत मोल लो, अपने बच्चे हैं इनसे बात करो, क्या हुआ भाई क्यों? सर आप ये कह रहे हैं कि 20 जवान जो शहीद हो गए उसके बाद बदला ना लिया जाए, बातचीत की जाए? अच्छा बदला तो आप कितनी बार लोगे, कितनी बार ले चुके हैं, उसका क्या हुआ? वो बदला पहले नहीं लिया था क्या आपने? सर्जिकल स्ट्राइक और कर ली और बाकी भी आपने खूब मारते हो, रोज पकड़ रहे हो, रोज कल परसों 6 मारे थे पुलवामा में ही,
तो ये बदला तो आप ले रहे हैं लगातार, इसके पर कोई हल थोड़ी निकला। तो सर क्या ये आप ये कह रहे हैं बातचीत करने से जैश ए मोहम्मद मान जाएगा, अलकायदा मान जाएगा, पाकिस्तान मान जाएगा? मान जाएगा, जनता मान जाएगी। बिना जनता के जैश ए मोहम्मद कुछ नहीं कर सकता। जनता के बीच में ही जनता यदि साथ नहीं देगी, जैश ए मोहम्मद यहाँ टिक नहीं सकता है। समझ गए आप? ये जैश ए मोहम्मद से लड़ाई नहीं है हमारी, लड़ाई दिमाग और दिलों की और दिमाग की लड़ाई है। ये AK-47 और 56 की नहीं है जी, ठीक है? तो इसलिए आपको आपको ये मिलिटेंट्स को नहीं मारना है, मिलिटेंसी को खत्म करना है। मिलिटेंट्स खत्म नहीं होंगे, एक मारोगे दो खड़े होंगे। मिलिटेंसी खत्म करोगे तो जनता आपके साथ होगी, जनता साथ होगी तो वो कहीं पनाह नहीं ले सकते हैं, ना उनकी कोई खाना मिल सकता है उनको। और वो जहां भी हरकत करेंगे खट फौज को बता दिया जाएगा। पहले कंट्रोल में रहता था हर एक चीज, होती थी लेकिन कंट्रोल में रहती थी, ठीक है? ठीक है सर। और अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हम लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, कि मूवमेंट को रोक दिया गया है, गाड़ियां वहीं पर है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी रुकेगा ही साहब, जवानों की छुट्टियां रुक जाएंगी, और कोई शादी में जाना था, किसी ने कहीं जाना था, वो सब रुक गए। अभी वो उनके अभियान चलेंगे, उनका ऑपरेशन चलेगा, और इनको फौज को ही कष्ट होना है। अभी कोई आदमी जो अंदर बेचारे बंकरों में अपने बैरक में बैठे हुए थे, वो भी बाहर निकलेंगे, अभी सारे रास्तों में घुसेंगे।